दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट लुई स्टीवनसन की एक शॉर्ट स्टोरी द बॉटल एम। 1891 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये शॉर्ट स्टोरी दोस्तों थोड़ी सुपरनेचुरल टाइप की है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जानने को मिलेगी इसके अंदर, नई जानने को मिलेगी। इसके अलावा इनके और भी वर्क्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे ट्रेजर आइलैंड और डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, वो भी मैं किसी दिन डिस्कस करूँगा। दोस्तों शुरू करते हैं। हवाई आइलैंड पर एक आदमी रहा करता था कियावी नाम का। वो अभी भी ज़िंदा है, कोई उसका नाम नहीं जानता होगा। वह गरीब आदमी था, लेकिन वो एक टीचर की तरह पढ़ और लिख सकता था। उसने उस आइलैंड पर स्ट्रीमर्स पर कुछ टाइम काम किया, उसके बाद में कोस्ट पर एक बोट थी उस पर काम किया। तो कियावे ने सोचा कि वो ग्रेट वर्ल्ड्स बिग सिटीज़ को देखेगा, तो ये गया सैन फ्रांसिस्को। बहुत ही अच्छा टाउन था, बहुत पैसे वाले लोग रहते थे वहाँ पर, कुछ तो हिल्स पर अपना घर बनाकर रहते थे बहुत महंगे महंगे घरों में। तो वहाँ पर वो घूम रहा था, घरों को देख रहा था। उसकी जेब अभी भरी हुई थी। क्या कमाल के घर हैं, ऐसा उसके मुंह से निकला। लोग कितने लकी होते हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ता गया। फिर वो एक छोटे से घर के सामने आ गया। मतलब दूसरे घरों से वो छोटा घर था, लेकिन देखने में बहुत अच्छा था। अच्छी खासी विंडोज़ थी, जैसे डायमंड की तरह लग रहा था वो घर। या वे उस घर को रुक कर देखने लगा, देखा कि एक आदमी अपनी विंडो से झांक रहा था उसे। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कराया, तो उस सामने वाले आदमी ने भी स्माइल पास की। फिर वो आदमी दरवाजे पर आकर उसे मिला। अच्छा है ना मेरा घर, ऐसा उसने पूछा। आओ अंदर आ जाओ, अंदर आके रूम्स भी देख लो। कियावे को अंदर लेकर के गया वो, तो वो घर बहुत ही अच्छा था, अंदर से देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल। कियावे ने कहा, अगर मैं ऐसे घर में रहता तो दिन भर हंसता ही रहता। तो आदमी बोला, तुम्हारा भी हो जाएगा ऐसा एक दिन घर, बल्कि इससे अच्छा हो सकता है। आई थिंक तुम्हारे पास पैसा है। तो वो बोलता है कि सर मजाक मत बनाइए, मेरे पास सिर्फ $50 हैं। ये घर $50 का तो कतई नहीं है। तो वो आदमी बोला, अब इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन $50 हैं तो बहुत हैं। क्या मैंने पूछा कि उसमें घर तो मैं नहीं खरीद सकता। तो आदमी ने कहा, मैं कब बोल रहा हूँ घर खरीद सकते हो, तुम एक बॉटल खरीद सकते हो। तुम विश्वास करोगे, ये घर, ये गार्डन, ये सारी चीज़ें जो है, ये सिर्फ एक छोटी सी बोतल से आई है। ये वो छोटी सी बोतल है। वो बोतल बहुत छोटी सी राउंड नेक की बोतल थी। उसे देखते ही कियावे हंसने लगा कि मैं कुछ समझा नहीं, ये बोतल नर्क से आई है, उस आदमी ने कहा। और इस बोतल में एक एम्प, छोटा सा भूत रहता है, तुम देखो अंदर, देखो इसके, देखो वो अंदर घूम रहा है। तुम अगर ये बोतल खरीद लो तो तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो, घर खरीदना है, इवन एक सिटी खरीदनी है, पैसा लेना है, कुछ भी। नेपोलियन का नाम तो सुना होगा, नेपोलियन के पास भी ये बोतल थी, लेकिन उसने इसको बेच दिया और उसके बाद वो बर्बाद हो गया। तो फिर भी तुम इसको बेचना चाहते हो, कियावे ने पूछा। हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बोतल एम्प एक ही काम नहीं कर सकती, ये बस तुम्हारी लाइफ को लंबा नहीं कर सकती। और जो आदमी इस बोतल के साथ में मरा तो वो हेल में जाएगा, इसलिए। तो कियावे ने बोला, वेल मैं ऐसी कोई चीज़ खरीदना नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी चीज़ खरीदने में। तो वो आदमी बोला, लिसन, तुम्हें जो चाहिए वो इस बोतल से मांग लो खरीद कर, फिर उसके बाद किसी और को बेच देना। तो कियावे फिर से बोला कि सर मैंने आपके चेहरे पे दो चीज़ें नोटिस की है, पहला तो आप खुश नहीं हैं, दूसरा ये बोतल आप सस्ते में बेच रहे हैं, कुछ तो परेशानी होगी। तो उसने कियावे को बताया कि जब डेविल इस बोतल को दुनिया में लाया तो इसकी कॉस्ट मिलियंस डॉलर्स में थी। एम के साथ साथ इसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती गई, और मैंने खुद इसको $90 में ख़रीदा था। तुम $50 में ख़रीद रहे हो, मैं दे दूँगा, मैं तो इससे कम में भी दे सकता हूँ, बस इससे छुटकारा चाहिए। तुम्हारी तरह मैं मरना भी नहीं चाहता और हेल में भी नहीं जाना चाहता, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम अभी जवान हो, आराम से इसका यूज़ कर सकते हो, आराम से इसको बेच सकते हो। तो वो बोलता है कि यावे बोलता है, मैं तुम्हारा कैसे भरोसा करूँ कि ये सब सच है। तो वो बोलता है, ट्राई करके देख लो, बस मुझे अपने $50 दो, बॉटल लो, और उसके बाद में वापस अपने $50 अपनी जेब में वापस मांगो, नहीं मिलेंगे तो बॉटल वापस, पैसे वापस। कियावे करके देखता है, आई वॉन्ट माई $50 बैक, और उसके बाद वो देखता है उसकी पॉकेट में $50 थे। फिर उसके बाद वो आदमी बोलता है, सर गुड मॉर्निंग, अब डेविल आपके साथ है। तो कियावे बोलता है, रुको, लो अपनी बोतल वापस लो, तुमने खरीदी है सर इसको, मुझसे कम प्राइस में खरीदी है ना, अब ये तुम्हारी है। कियावे वो बोतल लेकर बाहर आ जाता है, सोचने लगता है, अपने पैसे को देखता है।
उसको सब कुछ सच लगने लगा था। अब वो फिर से ट्राई करने की सोचता है। अब गली में कोई भी नहीं था तो उसने गली के बीचों बीच वो बोतल रख दी और आगे चला गया। चला गया आगे, फिर वापस पलट कर देखता है, बोतल वहीं थी। दूसरी बार पलट कर देखता है, बोतल वहीं थी। तीसरी बार देखता है तो बोतल गायब थी, उसकी पॉकेट में आ गई थी। इसने वो बोतल कई लोगों को बेचने की कोशिश की, ज़्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश की। एक बंदे को इसने $60 में भी बेच दी वो बोतल, लेकिन वो बोतल वापस इसके पास आ गई। क्योंकि एक रूल था कि इसको जितने प्राइस में तुमने खरीदी है उससे कम प्राइस में, चाहे एक रुपया भी कम हो, कम प्राइस में ही बेचनी है। अब कियावे का एक दोस्त उसके पास आया, उसने पूछा क्या हुआ। वो अपने रूम में अकेला बैठा था तो कियावे ने उसको सारी बात बताई। वो समझ नहीं सका। उसने बोला तुम्हारे पास अगर वो बॉटल है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे सकती है, उसको यूज़ करो, उसके बाद तुम्हें जब सारी चीज़ें मिल जाए तो बॉटल मुझे भेज देना, मैं किसी और को भेज दूंगा, मैं अपनी इच्छा भी पूरी कर लूँगा, ये है मेरा आइडिया। उसके बाद उस बॉटल से कियावे ने बहुत सारी चीज़ें मांगी, ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी जो वो शायद ज़िंदगी भर नहीं कमा पाता। लेकिन उन चीज़ों के बदले में कियावे के एक अंकल की डेथ हो गई। वो जाते जाते कियावे को अपना सब कुछ दे करके गए। कियावे रोने लगा कि इस बॉटल की वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन उसका दोस्त उसे समझा रहा था ये बॉटल ने तुम्हें सब कुछ दिया है। अब उसके पास कोई और इच्छा बाकी नहीं थी मांगने के लिए। इसके बाद उसका दोस्त उसे बोलता है यही सब तुम चाहते थे। तो कियावे कुछ नहीं बोलता। फिर इसका दोस्त इससे वो बॉटल खरीद लेता है। वो उस बॉटल को लेकर चला जाता है और वो बालकनी से उसे देखता रहता है और बोलता है कि भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। लेकिन वो खुश था कि कम से कम बॉटल उसके पास से तो गई। अब अगले दिन वो अपने नए ब्यूटीफुल हाउस में घूमता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, वो बहुत हैप्पी था। उसने अपने पास बहुत सारे सर्वेंट्स भी रखे थे, वो सारे के सारे उसके यहीं के ही थे, चाइनीज़। लेकिन ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी थी। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था, एक दिन उसे स्विमिंग करते करते एक लड़की मिलती है कोकुआ नाम की, और उससे उसे प्यार हो जाता है। फिर इसके बाद में इनकी मीटिंग्स होती रहती है। धीरे धीरे ये आगे चल के और ज़्यादा एंगेज होते हैं। लेकिन तभी एक न्यूज़ की वजह से इसकी सारी खुशियाँ बिखर जाती है। इसको पता चलता है कि इसको एक बीमारी है, लेप्रसी, और इसको अपना घर, इसकी गर्लफ्रेंड जो अभी इसकी वाइफ बन गई है, उन सबको छोड़कर कैलू पापाए नाम की जगह पर रहना पड़ेगा। वहाँ पर इस बीमारी के रोगी रहते हैं जब तक कि ये रिकवर नहीं हो जाता। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो बोतल, उस बोतल का यूज़ ये कर सकता है खुद को ठीक करने में। ये अपने उस फ्रेंड के पास जाता है जिसको इसने वो बोतल बेची थी। इसका वो फ्रेंड बहुत ही रिच बन चुका था और उसने हवाई छोड़ दिया था। फिर वो धीरे धीरे पीछा करता करता बहुत सारे बायर्स के पास जाता है, उस बोतल के बायर्स के पास में जाता है, और फिर वो पहुँचता है बैरिटेनिया स्ट्रीट। तो एक यूरोपियन आदमी के पास उसको वो बोतल मिलती है। उस आदमी के पास उसको दो न्यूज़ मिलती है। पहली तो ये कि उसके पास वो बॉटल है और वो उस बॉटल को बेचना चाहता है। बैड न्यूज़ ये थी कि उस बॉटल को ख़रीदने के लिए उसने सिर्फ 2 सेंट्स दिए थे। तो अब कियावे को वो बॉटल 1 सेंट में ख़रीदनी पड़ेगी। फिर भी कियावे उस बॉटल को ख़रीद लेता है। जानता है कि अब वो ये बॉटल किसी को नहीं बेच पाएगा क्योंकि 1 सेंट से कम कोई भी करेंसी नहीं होती। ख़रीदता इसलिए है क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहता है। अब वो जानता है कि अब वो आराम से लाइफ तो जी लेगा, लेकिन एंड में जब मरेगा तो उसको हेल में जाना पड़ेगा। अब वो थोड़ा उदास रहने लगा, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा कि अब क्या होगा। तो उसकी वाइफ ने उसकी इस डिप्रेशन का रीज़न उनकी शादी को समझा कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे बोल दो, मैं डिवोर्स दे दूँगी तुमको। कियावे बोलता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तो कियावे सब कुछ अपनी वाइफ को बता देता है। तो उसकी वाइफ उसको इस चीज़ का एक सॉल्यूशन बताती है। वो उसे फ्रांस लेकर जाती है। फ्रांस में एक सेंटीम्स नाम की करेंसी होती है जो कि सेंट से भी छोटी होती है, अमेरिकन सेंट से 1/5 वर्थ की होती है वो, ठीक है। लेकिन फ्रांस जाना उनका सही डिसीज़न नहीं था क्योंकि फ्रांस के लोग इस बॉटल के बारे में कुछ कुछ जानते थे। नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था, नेपोलियन फ्रांस का ही था, तो उसके पास भी ये बॉटल थी। तो वो लोग, नेटिव लोग, इसको टच करना भी सही नहीं समझते थे, वहाँ के लोग। अब एक ही सॉल्यूशन था। इसकी जो वाइफ थी कोकुआ, उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस करेगी। अपने हस्बैंड की फेट को बचाने के लिए वो एक ओल्ड सेलर को ब्राइब करती है कि तुम ये बॉटल उससे ख़रीद लो 4 सेंटेंस में, फिर मैं 3 सेंटेंस में तुमसे ये ख़रीद लूँगी।
फिर इसके बाद कियावे ये बॉटल बेचकर खुश था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसका ये कर्ज ले लिया था अपने ऊपर। जब कियावे को ये चीज़ पता चली उसके बारे में, तो उसने टीम मैनर में अपने वाइफ जैसी चाल खेली। उसने एक आदमी को पकड़ा और कहा कि तुम उससे 2 सेंटेंस में ख़रीद लो, फिर मैं तुमसे 1 सेंटेंस में ख़रीद लूँगा। अब ठीक है, वो एक शराबी आदमी था, उसने उसकी वाइफ से वो बॉटल ख़रीद ली। अब जब इसके पास बॉटल आई तो कियावे ने बोला लाओ मुझे दो, मैं तुमसे ये ख़रीद लेता हूँ। तो ये मना कर देता है, ये ड्रंकन सेलर उस बॉटल को बेचने से मना कर देता है। तो वो बोलता है, कियावे बोलता है तुम हेल में चले जाओगे। वो ड्रंकन सेलर बोलता है मैं तो वैसे ही हेल में जाने वाला हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कियावे उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। फिर इसके बाद कियावे अपनी वाइफ के पास वापस आता है। वो दोनों अब इस कर्ज से फ्री हो गए थे और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।